या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बुद्धि की देवी की आराधना के बाद उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल से आज आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, आज हमारे इस व्याख्यान का, इस लेक्चर का टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑन सेमी ग्रुप्स। यह एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर, जो पांचवा पेपर ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल पेपर का यूनिट 1 का टॉपिक 2 है। प्रिय बच्चों, आइए हम आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। टॉपिक हमारा है होमोमॉर्फिज्म ऑन सेमी ग्रुप्स। होमोमॉर्फिज्म ऑन सेमी ग्रुप्स एंड मोनायड को अच्छी तरह से समझने के लिए सेमी ग्रुप्स एंड मोनायड का एक आउटलाइन कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। एक प्री रिक्विजिट जिसको कहते हैं, वह है सेमी ग्रुप्स एंड मोनायड। प्यारे बच्चों, होमोमॉर्फिज्म ऑन सेमी ग्रुप्स एंड मोनायड की इस लेक्चर में मैं आपसे सबसे पहले ग्रुपायड की डेफिनेशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो नाम नॉन एम्प्टी सेट और ऑपरेशन का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उसे हम ग्रुपायड कहते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुपायड, अगर हमारा ग्रुपायड कम्यूटेटिव है तो हम उस ग्रुपायड को कम्यूटेटिव ग्रुपायड कहेंगे। फिर सेमी ग्रुप्स की डेफिनेशन, नॉन एम्प्टी स्ट्रक्चर जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक सेट एक ऑपरेशन के साथ सिस्टम बनाए और उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो, ऐसे सिस्टम या स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। वी कॉल सेमी ग्रुप फॉर दोज स्ट्रक्चर विच सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स विथ एडिशन ऑपरेशन, नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आर सेमी ग्रुप्स। इन सेमी ग्रुप एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइडियम्पोटेंट एलिमेंट इफ ए इंटू ए इक्वल टू ए, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइडियम्पोटेंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, हेंस 1 इज आइडियम्पोटेंट एलिमेंट। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, सिंपली ए सेमी ग्रुप विथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। मोनायड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज मोनायड। ए सेट विच इज नॉन एम्प्टी, एन ऑपरेशन विच इज बाइनरी, डिजाइन सिस्टम सेट कॉमा ऑपरेशन, चेक दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स एक्स ऑपरेशन वाई बिलोंग्स टू सेट जी, दैट इज ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर दी सेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन दी गिवन सिस्टम। आइडेंटिटी एलिमेंट, एवरीवन नोज शुड नो आइडेंटिटी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच ऑपरेट्स ऑन एनी एलिमेंट हैव नो इफेक्ट।
हम आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जो किसी अवयव पर ऑपरेट होकर के कोई इफेक्ट नहीं डालता। एक्स ऑपरेशन इक्वल टू ई ऑपरेशन एक्स इक्वल टू एक्स, हेंस ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर हम प्लस ऑपरेशन लें तो आप सभी जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि प्लस के साथ जीरो एलिमेंट अगर हम कहीं ऑपरेट करेंगे तो एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हेंस जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन प्लस। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लें तो हम पाएंगे वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यूनियन ऑफ सेट्स ऑपरेशन लें, वी विल फाइंड फाई आर एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। अगर हम इंटरसेक्शन लें, वी विल फाइंड यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन। हमारे पास ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस है, स्क्वायर मैट्राइसेस है, देन वी विल फाइंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। इफ वी हैव कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एज एन ऑपरेशन, देन वी विल फाइंड वी विल हैव वी शुड नो व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हियर एग्जाम्पल होल नंबर्स विथ एडिशन, एडिशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर होल नंबर्स, एडिशन हैज आइडेंटिटी जीरो, जीरो इज ए होल नंबर, हेंस जी प्लस सिस्टम होल नंबर्स प्लस सिस्टम इज ए मोनाड। ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज मोनाड बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल्स इज पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव रियल्स इज एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज वन विच इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। हेंस दिस स्ट्रक्चर पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ मल्टीप्लीकेशन इज ए मोनाड। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड कम्यूटेटिव मोनाड। सिंपल प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड फोर्थ विल बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए कम्यूटेटिव मोनाड इज कम्यूटेटिव मोनाड और सिंपली अबेलियन मोनाड। अबेल इज मैथमेटिशियन विच इंट्रोड्यूस दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ड्यू टू दैट फॉर रिस्पेक्टिंग अबेल वी कॉल्ड कम्यूटेटिव मोनाड एज अबेलियन मोनाड। एग्जाम्पल होल नंबर्स विथ प्लस ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन इज अबेलियन मोनाड बिकॉज ऑफ प्लस या एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेमी ग्रुप्स एंड मोनाड्स। एग्जाम्पल एज वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग्स विथ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ए सेमी ग्रुप एज वेल एज इट इज मोनाड बिकॉज ऑफ मोनाड शुड पजेस आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फॉर मैपिंग्स आइडेंटिटी मैपिंग इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंपोजिशन। ऑल रिलेशंस फ्रॉम ए सेट एक्स टू एक्स विथ कंपोजिशन ऑफ रिलेशन इज अगेन ए सेमी ग्रुप एज वेल एज मोनाड। थर्ड पावर सेट विथ यूनियन। पावर सेट विथ यूनियन इज
सेमी ग्रुप एज वेल विद मोनाइड बिकॉज ऑफ यूनियन हैव आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव एम्प्टी सेट विच इज इन पावर सेट्स पावर सेट विथ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हैज आइडेंटिटी एज यूनिवर्सल सेट एक्स एंड एक्स इज इन पावर सेट हेंस पावर सेट विथ इंटरसेक्शन इज ए सेमी ग्रुप एज वेल एज ए मोनाइड नेचुरल नंबर विथ एडिशन नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन आर सेमी ग्रुप एंड नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप एंड मोनाइड ऑल्सो हियर अटेंशन प्लीज नेचुरल नंबर विथ एडिशन इज सेमी ग्रुप बट नॉट मोनाइड वाई बिकॉज ऑफ क्योंकि मोनाइड के लिए ऑपरेशन की आइडेंटिटी सेट में होना चाहिए एडिशन की आइडेंटिटी जीरो है जो नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए नेचुरल नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनाइड नहीं है इसका ध्यान रखेंगे इवन इंटीजर्स विथ एडिशन आर सेमी ग्रुप्स एज वेल एज मोनाइड इवन इंटीजर्स विथ मल्टीप्लीकेशन अटेंशन प्लीज इवन इंटीजर्स विथ मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप बट नॉट मोनाइड बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी वन है वन इज नॉट इवन नंबर इसलिए इवन नंबर के सेट में वन नहीं होगा दैट इज Even number with multiplication has no identity element. Hence, it is semigroup but not monoid. ZM modulo classes with respect to M, collection of all modulo classes with respect to M with addition modulo M and modulo classes with respect to M and multiplication modulo. These both systems are semigroup and monoids. If you will further study those, then you will find these modulo system is very important for finite groups, semigroups, monoids, and so on. In next lecture, I will discuss in detail with modulo system with respect to M. Okay, next homomorphism. As we have already discussed, these are prerequisite which a student should know. आपको इतना आउटलाइन होना चाहिए तब आप होमोमार्फिज्म का अच्छे से एनालिसिस और लर्निंग कर पाएंगे होमोमॉर्फिज्म आम सेमी ग्रुप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे इस के लिए हमारे पास पहला स्टेप होता है डेफिनेशन आइए डेफिनेशन देखते हैं यस ओ एंड टी स्टार बी टू सेमी ग्रुप्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू सेमी ग्रुप्स पहले हमारे पास दो सेमी ग्रुप होने चाहिए हो गए एक सेट से दूसरे सेट एस से टी में एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा उस मैप का नाम है जी हमने जी डिनोट किया आप एफ ले सकते हैं एच ले सकते हैं पी ले सकते हैं मैप को कोई भी नाम दे सकते हैं यू कॉल इट बाय एनी नेम बट हियर आई विल कॉल इट एज ए जी जी इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट एस टू टी ऑन सेट एस देयर इज ऑपरेशन ओ ऑन सेट टी देयर इज ऑपरेशन स्टार फॉर एवरी ए बी इन एस इफ वी हैव जी ऑपरेटेड ऑन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू जी ए स्टार जी बी देन सच ए मैपिंग इज कॉल्ड सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अटेंशन प्लीज सभी विद्यार्थीगण दर्शकगण ध्यान रखेंगे
जी एक मैपिंग है, मैपिंग होने के साथ साथ जी का एसोसिएशन दो ऑपरेशन ओ एंड स्टार से एसोसिएट किया जाएगा। जी को ऑपरेशन ओ एंड ऑपरेशन स्टार से एसोसिएट किया जाएगा। एलिमेंट ए और बी एस में हैं, उनके बीच ऑपरेशन लगेगा ओ, एस का ही एलिमेंट मिलेगा, उस पे जी ऑपरेट करेंगे। जी के एलिमेंट एस के एलिमेंट को जी ऑपरेट करने पर एस के एलिमेंट को टी में स्विच ओवर करेगा। टी में ऑलरेडी जीए है और जी भी है, जीए और जी बी आर एलिमेंट ऑफ टी, इसलिए इन पर जो ऑपरेशन लगेगा वो स्टार लगेगा। टी का ऑपरेशन हमने स्टार से डिनोट किया, तो जीए स्टार जी बी, अगर ये दोनों इक्वल हैं, जी आप ए ऑपरेशन बी और जीए स्टार जी बी, तब हम अपने होमोमार्फिज्म को, अपनी मैपिंग को सेमी ग्रुप होमोमार्फिज्म कहेंगे। ऐसी मैपिंग हो सकती है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, ऐसी मैपिंग सिंपल मैपिंग रहेंगी। अगर हमारे पास होमोमार्फिज्म चाहिए उसके लिए मैपिंग को ऑपरेशंस की कंडीशन जो बोर्ड पे दिख रही है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। डेफिनेशन टू, एस एंड टी आर टू सेमी ग्रुप्स, मैपिंग जी फ्रॉम एस टू टी वही है, और यह प्रॉपर्टी नंबर वन मींस जी आर प्रिटेड ऑन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू जी ए स्टार जी बी मींस मैपिंग की प्रॉपर्टी है, प्लस ऑपरेशंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। अगर यह एक ऐसी मैपिंग है जो ऑनटू मैपिंग है, तो दो कंडीशन हो गई, जी इज ऑनटू मैपिंग एंड जी इज सेटिस्फाइंग दी कंडीशन ऑफ ऑपरेशंस, देन इट इज कॉल्ड ईपी मॉर्फिज्म। व्हाट? सेमी ग्रुप ईपी मॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मीन्स ऑपरेशन की कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ईपी मॉर्फिज्म मीन्स ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, प्लस मैपिंग ऑन टू है। यस यस, एक बच्चे ने कहा सर अगर इनटू मैपिंग होगी तो क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। सेमी ग्रुप है दो, मैपिंग है जी, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होमोमॉर्फिज्म की, और कंडीशन जो आपके मन में आया सर ऑन टू, तो ठीक है ऑन टू में ईपी मॉर्फिज्म हो गया। अगर मैपिंग जी वन वन है तो क्या कहेंगे, जी वन वन हो तो कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपके मन में आए, नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे गणितज्ञों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे टार्च बेयरर्स ने जो इसका नाम रखा था वही नाम लेकर के चलते हैं, उसको कहेंगे मोनोमार्फिज्म। दिस इज द सेमी ग्रुप मोनोमार्फिज्म। व्हेन इट इज होमोमार्फिज्म मींस कंडीशन नंबर वन, ऑपरेशन आर कंडीशन ऑफ ऑपरेशंस इज सेटिस्फाइड बाय जी, इट इज होमोमार्फिज्म। जी इज वन वन मोनोमार्फिज्म, जी इज ऑन टू ईपी मॉर्फिज्म। अगेन देयर विल बी क्वेश्चन इन योर ब्रेन, देयर शुड ए क्वेश्चन इन योर ब्रेन, देयर शुड बी सम आइडिया इन योर ब्रेन। व्हाट फॉर नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन फोर, मैपिंग है, ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक बच्चे ने कहा सर वन वन है मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू है ईपी मॉर्फिज्म, दोनों है तो आइसोमॉर्फिज्म। कंडीशन वन टू है
मोनोमार्फिजम कंडीशन 1-3 है, ईपीमार्फिजम कंडीशन 1-2-3, तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली, तो इसको हम आइसोमार्फिजम कहेंगे। आइसोमार्फिजम 1-1 ऑन टू होमोमार्फिजम। इंजेक्शन एक चीज और बताएं बच्चों को, वन शुड नो 1-1 मैपिंग आर आल्सो नोन एज इंजेक्टिव मैपिंग आर सिंपल इंजेक्शन। इंजेक्शन सिंपल जो इंजेक्शन लगता है हाथ डॉक्टर लोग लगाते हैं उसका नाम है इंजेक्शन। दूसरा है आंटू मैपिंग इज कॉल्ड सर्जेक्शन। अभी सर्जेक्शन कौन लगाता है, मैथमेटिशियन का नाम है, मैथमेटिशियन ने नाम रख दिया सर्जेक्शन। तो कोई मैपिंग इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, इंजेक्शन है, सर्जेक्शन है, तो इसको कहेंगे बाईजेक्शन। दोनों जेक्शन है, इंजेक्शन और सर्जेक्शन दो तरह की मैपिंग है, और कोई मैपिंग दोनों है तो उसको कहें बाईजेक्शन। तो 1-1 आंटू बोले या इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोले या बाईजेक्टिव बोले, तीनों केस में अगर कोई होमोमार्फिज्म आता है तो उसको कंबाइंड करके आइसोमार्फिज्म, सेमी ग्रुप आइसोमार्फिज्म हम उसका नाम रखेंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन आएगा, अगर कोई मैपिंग जी एस टू टी है और वह इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, होमोमार्फिज्म की कंडीशन मींस ऑपरेशन कंडीशन, नंबर 2 1-1 कंडीशन 1-1 मैपिंग, नंबर 3 आंटू कंडीशन आंटू मैपिंग मींस आइसोमार्फिज्म है, तो सेट एस इज कॉल्ड आइसोमार्फिक टू सेट टी, एस और टी आइसोमार्फिक कहलाएंगे। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जितने एलिमेंट एस में होंगे उतने एलिमेंट टी में होंगे, ऑर्डर ऑफ एस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी। अब कितने एलिमेंट होंगे ये एस और टी पे डिपेंड रहेगा, अगर दोनों सेट के ऑर्डर में डिफरेंस है तो आइसोमार्फिज्म नहीं मिल सकती। अगर दो सेट के ऑर्डर में डिफरेंस है तो 1-1 ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव या आइसोमार्फिज्म या बाइजेक्शन नहीं मिल सकता। बाइजेक्शन मिल रहा है तो दोनों सेट का ऑर्डर इक्विवेलेंट है, दोनों सेट का ऑर्डर इक्विवेलेंट है तो बाइजेक्शन मिलेगा, हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर आगे बढ़ें, एस टी दो सेमी ग्रुप हैं, जी एक मैपिंग है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी कंडीशन सर जी, कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आगे कहते हैं एस और टी दो सेट हैं, तो टी इज सबसेट ऑफ एस, टी इज सबसेट ऑफ एस, एस के ही छोटे पार्ट पर, एस के सबसेट पर अगर हम कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं तो इसको कहेंगे इंडोमॉर्फिज्म। नाम ईपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, अगला नाम है इंडोमॉर्फिज्म। फिर से रिकॉल करें, होमोमॉर्फिज्म, ईपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म। इंडोमॉर्फिज्म की कंडीशन में जो टी है वह एस का सबसेट होना चाहिए। अब एक ने कहा कि सर सबसेट ही क्यों, अगर एस और टी इक्वल हो जाए, हो जाने दीजिए, ये आ गया टी एंड एस आर इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या मतलब होगा कि जो होमोमॉर्फिज्म है वह एस से एस में है, ये होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस टू एस ऑन ए सेट एस ऑन ए सेमी ग्रुप एस ऑन ए मोनॉइड एस। अभी हम सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो सेमी ग्रुप पर एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की जाए तो हम उस होमोमॉर्फिज्म का नाम रखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। जब सेट बदला, टी और एस कंबाइंड हो गए, तो इसका भी ध्यान रखिए क्या कि ऑपरेशन ओ और स्टार ये भी कंबाइंड हो जाएंगे, तो
तो यहां पे जो ऑपरेशन जी ऑपरेटेड ऑन ए ऑपरेशन बी, इधर जी ए ऑपरेशन स्टार की जगह ओ आ जाएगा जी बी, क्योंकि जब हमारे पास सेट सेम रहेगा तो ऑपरेशन भी सेम लेके चलेंगे। प्रश्न आ सकता है कि सर एक ही सेट पे दो ऑपरेशन ले लें और दोनों से अगर हम मोनॉइड बना लें तो क्या कंडीशन होगी, तो स्टार और ओ सेम होना जरूरी है क्या? अब ये मैटर ऑफ रिसर्च, मैटर ऑफ एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमने एक कंडीशन लगाई, हमारे मैथमेटिशियन ने कंडीशन दी, उस कंडीशन की हम एनालिसिस करने लग जाएं तो कहेंगे कि आगे बढ़े, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि एग्जांपल लें, एक सेट लें एस, एक ऑपरेशन डिफाइन करें ग्रुप और सेमी ग्रुप या मोनॉइड बन जाए, वही सेट के साथ दूसरा ऑपरेशन लें सेमी ग्रुप और मोनॉइड बन जाए, उस पर एक मैप डिफाइन करें, मैप डिफाइन करने के बाद चेक करें कि क्या कंडीशन हो रही है, ऑटोमॉर्फिज्म हो रहा है कि नहीं, एस से एस में ऑटोमॉर्फ जो भी होमोमॉर्फिज्म होगी उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ऑपरेशन दोनों सेम हो सकते हैं, ऑपरेशन दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। मैं बताऊं? चलिए आप खुद जानते हैं, खोजेंगे। अब हमने सेमी ग्रुप्स की बात की, इन्हीं बातों को रिपीट करेंगे मोनॉइड्स पर। लेकिन ध्यान रखें, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होती है, मोनॉइड में तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो यहां पर आप उसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सेमी ग्रुप के सारे रिजल्ट, यहां पे एक एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। वो कौन सा रिजल्ट होगा? वो आइडेंटिटी से रिलेटेड रिजल्ट होगा, ये भी आप समझें। दैट रिजल्ट विल बी रिलेटेड टू आइडेंटिटी एलिमेंट। यस ओ एंड ई, टी स्टार एंड ई डैश बी टू सेमी ग्रुप, सॉरी टू मोनॉइड्स, बी टू मोनॉइड्स मैपिंग फ्रॉम एस टू टी डिनोटेड बाई जी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑपरेशन जी ऑन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू जी ए स्टार जी बी। सेकेंड कंडीशन जी ई इक्वल टू ई डैश, मीन्स इमेज ऑफ आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी। कंडीशन नंबर टू, सच मैपिंग इज कॉल्ड मोनॉइड होमोमॉर्फिज्म। ध्यान रखें, सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए केवल पहली कंडीशन लगती है, मोनॉइड होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन दूसरी, दैट इज कंडीशन रिलेटेड टू आइडेंटिटी। इसको सिंपल कहते हैं आइडेंटिटी गोज टू आइडेंटिटी, इसको सिंपल कहते हैं इमेज ऑफ आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी, इसको कहते हैं जी ई इक्वल टू ई डैश, आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड टू आइडेंटिटी। एनी टाइप ऑफ वर्डिंग मे बी यूज, बट यू शुड नो देयर शुड बी सेकेंड कंडीशन। अब नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म की बात हो गई, अब आगे बात होगी किसकी, इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म के लिए आंटू होमोमॉर्फिज्म इपीमॉर्फिज्म कहलाएगा, फिर बात होगी इंडोमॉर्फिज्म, वन वन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड इंडोमॉर्फिज्म, मोनॉइड के साथ है तो मोनॉइड इंडोमॉर्फिज्म। चलिए अगला आएगा वन वन आंटू होमोमॉर्फिज्म है, वन वन आंटू होमोमॉर्फिज्म को मोनॉइड आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। जो पीछे देखा है नाम हम ले रहे हैं, कंडीशन एक एक बढ़ती जा रही है। फिर हमने देखा है सबसेट पे अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, तो मोनॉइड इंडोमॉर्फिज्म हो जाएगी। फिर कहते हैं सेट एस से एस में डिफाइन किया जाता है तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, तो हमारे पास मोनॉइड ऑटोमॉर्फिज्म ही मिल जाएगी। तो वी हैव सिंपली सिक्स टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सिंपल अटेंशन प्लीज, फर्स्ट इज होमोमॉर्फिज्म, इट मे बी ऑन सब ग्रुप्स, सेमी ग्रुप्स और ऑन मोनॉइड्स। फर्स्ट इज होमोमॉर्फिज्म, देन इपीमॉर्फिज्म, देन इंडोमॉर्फिज्म, देन आइसोमॉर्फिज्म,
देन ऑटोमॉर्फिज्म। इजेंट इट क्लियर? ऑटोमॉर्फिज्म के आगे अगर हम बढ़ें, देन वी विल फाइंड थ्योरम्स रिजल्ट रिलेटेड टू ऑटोमॉर्फिज्म। थ्योरम नंबर वन, एस ओ टी स्टार एंड वी हैश बी थ्री सेमी ग्रुप्स। तीन सेमी ग्रुप लें हम, एस टी एंड वी विथ दीज थ्री डिफरेंट ऑपरेशंस, ए फंक्शन ए मैपिंग फ्रॉम एस टू टी एंड जी टू वी, दीज आर टू ग्रुप सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिजम्स। एस एंड टी आर, एस टी एंड वी आर सेट्स, एफ एंड जी आर होमोमॉर्फिजम्स ऑन सेमी ग्रुप्स। देन देयर कंपोजिशन, कंपोजिट ऑफ मैपिंग, एफ कंपोजिट जी विल बी मैप फ्रॉम एस टू वी एंड इट विल बी ऑल्सो ए सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। मीन्स कंपोजिशन ऑफ सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज ए सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये सिंपल सा थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ बहुत सिंपल है। इस प्रूफ को अगर हम देखें तो कंपोजिशन ऑपरेटेड ऑन ए स्टार बी, कंपोजिशन की थ्योरी, पहले एफ ऑपरेट होगा, एफ ऑपरेटेड ऑन ए ऑपरेशन बी, एफ ऑपरेट होकर के ऑपरेशन को स्टार में कन्वर्ट करेगा, एफ ए स्टार एफ बी, एफ ए स्टार एफ बी पर जी ऑपरेट होगा, तो जब जी आएगा तो स्टार को हैश में कन्वर्ट करेगा, तो जी ऑफ एफ ए हैश जी ऑफ एफ बी। ध्यान रखें, एफ ए और एफ बी के बीच स्टार लगेगा। जी नेक्स्ट, थ्योरम टू, एस ओ ई टी स्टार ई डैस बी टू मोनायड्स एफ फ्रॉम एस टू टी इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म अगर है, वन वन ऑन टू मैपिंग है, तो ई की इमेज ई डैस होनी चाहिए, एफ शुड बी एसोसिएटेड टू ई डैस। प्रूफ वेरी सिंपल, एफ ए इक्वल टू बी हम ले लेते हैं, देन बी इक्वल टू एफ ए, ए और ई का रिलेशन आप जानते हैं, ए ऑपरेटेड ऑन ई विल गिव यू एफ ऑफ ए ऑपरेशन ई, एफ ऑपरेट होगा ए ऑपरेशन ई पर तो एफ ए स्टार एफ ई देगा। हमें बी मिला एफ ए स्टार एफ ई और बी इज बी स्टार ई डैस इक्वल टू एफ ए स्टार ई डैस, एफ ए एफ ए न्यूट्रल हो गए, एफ ई इक्वल टू ई डैस हमें रिजल्ट मिल गया। आइसोमॉर्फिज्म है तो ई की इमेज ई डैस होनी चाहिए, होगी। सिंपल डेफिनेशन से प्रूव कर दिया है कि एफ ई इक्वल टू ई डैस ही होता है। नेक्स्ट रिजल्ट देखें, सेट ऑफ ऑल इंडोमॉर्फिज्म ऑन सेमी ग्रुप एस इज ए सेमी ग्रुप अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। इंडोमॉर्फिज्म कलेक्ट कर लें, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग लगा दें, आपको सेमी ग्रुप मिल जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंडोमॉर्फिज्म ऑन मोनायड इज मोनायड अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मोनायड पे अगर आपने इंडोमॉर्फिज्म की बात की है तो वो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के साथ मोनायड बनाएगा, सेमी ग्रुप की बात की है तो सेमी ग्रुप बनाएगा। बनाने दीजिए, कम्यूटेटिव अबेलियन मोनायड एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोनायड की बात हो रही है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखें, इस टेबल को समझें और जानें। मल्टीप्लिकेशन टेबल आप जानते हैं, यह एक कम्यूटेटिव अबेलियन मोनायड बनाएगा। फॉर फर्दर जब हमें फाइनाइट कम्यूटेटिव अबेलियन मोनायड लेना होता है तो हम इस तरह की छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट, एक और
वन माइनस वन आयोटा माइनस वन आयोटा फोर्थ रूट ऑफ यूनिट, फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल देखें, प्रोडक्ट टेबल देखें, यह भी एक कम्यूटेटिव मोनॉइड बनाता है। अभी तक हम आपसे मोनॉइड की चर्चा कर रहे थे, इनफाइनाइट सेट रहे थे ले रहे थे, हमने समझा कि बच्चों को फाइनाइट सेट का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक तो मॉडुलो क्लास और यहाँ रूट्स ऑफ यूनिटी, दो तरह के सेट ऐसे मिलेंगे आपको जो फाइनाइट सेमी ग्रुप, फाइनाइट मोनॉइड और फाइनाइट सेट पर आप काम कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। फॉर फर्दर रीडिंग्स प्लीज रेफर आगे हमारे इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को, इस थ्योरी को, इस डिस्कशन को। अगर और आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो टेस्ट बुक डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स जेपी ट्रम्बले की है, सीएलयू की है, डॉक्टर एच के पाठक की है, आपके प्रोफेसर, आपके परिचित टीचर्स होंगे उनका लेक्चर नोट आप यूज कर सकते हैं। गूगल पे, इंटरनेट पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे ढेर सारा मटेरियल है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये फर्दर स्टडी के लिए हम आपको रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं कि आप इनको भी पढ़ें। हमने जो कुछ पढ़ाया समझ में आया कि नहीं, पंडित जी कथा हुई या कुछ आपने ध्यान में रखा, सिंपल सी बात है। यन प्लस से टी डॉट पर एक मैप डिफाइन किया गया, नेचुरल नंबर से पॉजिटिव रियल्स पर एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। तो एफ वन वन है, एफ ऑन टू है, एफ वन वन एंड ऑन टू है, या ऑल ऑफ एबव है। ये चार रिजल्ट आप देखें क्या होगा। एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, तो बच्चे कहेंगे सर यह ऑल ऑफ एबव है, नहीं पहले कहेंगे ऑन टू है, ऑन टू हट गया, ऑन टू हटते ही ऑल ऑफ एबव हट गया, ऑल ऑफ एबव हटते ही वन वन एंड ऑन टू हट गया, केवल बचा वन वन, दिस मैप इज वन वन। सेकेंड क्वेश्चन पे आए, एस ओ एंड ई, एस टी स्टार एंड ई डैश टू मोनॉइड हैं। अगर ये दो मोनॉइड हैं, एफ एस से टू में एक आइसोमार्फिज्म है, मोनॉइड है आइसोमार्फिज्म, देयर इज मोनॉइड आइसोमार्फिज्म, तो क्या होगा, एफ ई इक्वल टू ई, एफ ई इक्वल टू ई डैश, एफ ई इक्वल टू ए, एफ ई इक्वल टू ए डैश। अभी अभी आपने देखा होगा, क्या देखें सर, चलिए हाँ हाँ बिल्कुल, आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए एफ इक्वल टू ए डैश नहीं होगा, एफ इक्वल टू ई नहीं होगा, एफ इक्वल टू ए नहीं होगा, जो बच गया एफ इक्वल टू ई डैश। एस की आइडेंटिटी टी की आइडेंटिटी से मैच होनी चाहिए, सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी तक तो हिट एंड ट्रायल आप मार देते थे, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा मेहनत करें। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ये हमने छह क्वेश्चन रख दिए। अब आइडेंटिटी फॉर प्लस आपने हाँ लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिखना जरूरी है। आइडेंटिटी में आप प्लस पूरा मत लिखें, प्लस से एरो लगाएं, प्लस की आइडेंटिटी जानते हैं, एक्स में क्या जोड़ें, जीरो, कंप्यूटर जी ने बताया जीरो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस इज जीरो, हमेशा के लिए याद रखें। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन अभी डिस्कशन हुआ था, वन करेक्ट। आइडेंटिटी फॉर यूनियन, यूनियन जब करते हैं एक से किसका यूनियन करें कि ए आए, तो कहेंगे भाई का कर दीजिए, ए आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन, ए से किसका इंटरसेक्शन लें कि ए आ जाए, तो कहीं यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, गुड। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग ले लीजिए, ये लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्राइसेस होंगी तभी प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और तभी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ध्यान रखें दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस विच यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट दीज, और इनका आंसर मैं बताऊं उसके पहले आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट बताता हूं, आइए आपके सवाल हमारे जवाब इस फोन नंबर पर और इस मेल पर आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट
आपके सवाल आपके जवाब होने के बाद इस आज की लेक्चर में उपस्थित सभी दर्शकों को सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी का धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हम आज का यह व्याख्यान यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले व्याख्यान में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।